हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। किवें माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि तुसी सारे जने ठीक ठाक होवोगे। असीं भी ठीक हाँ फ्रेंड्स। ते अज पहला मैं सिरसरे ना थोड़े जे आवले सीगे, नींबू सीगे और मिर्चा सीगा। एक हिसाब दी मान लो सब्जी ही इहदी बनाई है, अचार भी समझ लो सब्जी भी समझ लो। ते मैनूं इदां फ्राई करके ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते आ। ते मैं इह थोड़े जे टुक के पहला मैं धो के साफ करके फिर इहनां नूं छोटे छोटे पीस करके ते इहनां नूं सरों के तेल में तड़किया है, और नींबू जोड़ा नींबू सीगा, थोड़ी जी मिर्चा सीगिया, उस लूण मिर्च पा के अचार वगू बनाता। तो उस तो बाद मैं लग गई सी कपड़े धोन, क्योंकि अज मैं ना सवेरे सवेरे काम कर लग गई सी, क्योंकि अज मैं पहला बाज़ार भी जाना सी, उस तो बाद साढ़े हैगी है जागो शाम को। तो सारा दिन अज बिजी रहने वाला दिन सीगा, इस करके मैं जल्दी जल्दी पहला नाश्ता बनाया, नाश्ता खा खू के उस तो बाद मैं कपड़े धोए। तो शर्टा सीगियाँ सैब तो सबके पापा की वाइट शर्ट सीगियाँ, वो ईजी बच्चे मैं कटियां ने, क्योंकि पेंट कोट के नीचे पैन वाली सगिया, तो माड़ी जी मैं ना ईजी बच्चों वह कटियां ने। उस तो बाद दो चार कपड़े होर सके धोन वाले, वह धोन लग गई। तो मैं क्या भी कपड़े का काम सवेरे सवेरे जो हो जाता है ना, फिर सारे काम ही जड़े ने ना निपट जाते हैं। कुछ कपड़े जड़े सके मशीन च पाए हुए थे, तो आ कपड़े जड़े से मतलब कि ये मैं हत्था ना धोन लगी सी, क्योंकि जी शर्टा ने उन्होंने ब्रश मारा मारना सगा, कालर वगैरह जोड़े उन्होंने थोड़े थोड़े कफ जे गंदे हुए पे सके, वैसे ठीक सगियाँ। तो इस करके मैं सुबह सुबह लगी हुई सी है तो कपड़े कुपड़े धोन, क्योंकि उसके बाद जाना है असं बाजार। अच है जागो, तो शाम को असं जाना जागो वाले घर। तुम वीडियो फुल देखना, फुल इंजॉय करना, बहुत वधिया वीडियो है। तो शहर की जागो तो पिंडा की जागो च की फर्क होंदा वो देखियो जी। तो बस इतने आप कपड़े कुपड़े धो ले सीगे, कपड़े कुपड़े धोन तो बाद फिर मतलब कि आप जोड़े होर काम सीगे घर के, वह किते काम कुम करके सारे तो सारा मतलब काम कुम करके सिर धोया सीगा, सिर सुर धो के। तो उस तो बाद ना मैं लग गई थोड़े जे कपड़े सीगे जिहड़े कल नूं बरात विच पाने आ, ते ओह प्रैस करन वाले पए सीगे। ते पहले मैं वेट करदी पई सी, मैं कहा चलो प्रैस करवा लैने आ, ते साडे ना प्रैस करदा सीगा, ते ओह पता कीता ते ओह पिंड चला गया सीगा। फिर मैं सोचिया, मैं कहा वी प्रैस उदां दी जी हुंदी है जिद्दां दी आप करीदी, वी जरूरी वी पैसे वेस्ट करने आ, वी चल टाइम हैगा मैं ही करके रख दिनी हाँ। तो इतने बस मैं प्रैस प्रुस करके ना कपड़े सारे ही मतलब कि रख दिते सीगे, भी जेडे कल नूं सानू एट ए टाइम मतलब कि यह होंदा कई बार ना लाइट नहीं हुंदी, जां कई बार कोई इदां दी सिचुएशन बन जाती है कि कपड़े प्रैस मेरे रह ही जाते हैं। मेरे नाल हर बार बनता है, जो भी मैं कितने जाना हुंदा है ना, जां साडे कोई फैसटिवल जां प्रोग्राम हुंदा है, तो मौके पर आके कुछ ना कुछ जरूर होंगे, चाहे प्रैस प्रुस खराब हो जाएगी, चाहे लाइट नहीं होंगी, ज वैसे भी कुछ इदा मतलब कि प्रॉब्लम पै जाती है। तो इस करके खुशी वाले रेडी होंगी पी सी, तो मैं चलो मैं जब तक नाले वाल सुका लैनी हाँ, तो नाल मैं ना कपड़े जोड़े ना प्रैस करके रख दिनी हाँ। गला मेरा थोड़ा खराब होया पे। हैलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, किवें तुसी सारे? आई होप तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे फ्रेंड्स। तो आप भी ठीक हाँ, सीजन उच्च भी लगी पी है, क्योंकि असं चले हैं थोड़ा मार्केट। मैं चली हूँ दुपट्टे लैन वास्ते, यह दुपट्टा थोड़ा डाई करवाना है और एक दो दुपट्टे आ जिहड़े लैके आने हैं, तो थानू मैं चल के मिलदी हाँ बस्ती वाला बाजार दिखाने हैं थानू। अच्छे असं इतने चले हैं समान लैन वास्ते, चलो फिर चलते हैं। तां इत्थे चले सीगे बाजार, बाजार मतलब कि ना दुपट्टे सीगे मेरे, एक डाई करवाना सी, एक दो लैके आने सीगे, ते ओही असी मैं ते कुछ जा रही सीगियां। मैं चलो भी जल्दी जल्दी जाने हैं, टाइम इतने मतलब कि एक बज गया सीगा, ते फिर असी आके जागो की भी तैयारी करनी सीगी, फिर चले गए सी बाजार। तो मैं तो कुछ दोनों जानिया ही मतलब कि गई सगियाँ। तो साहिब जरा ये पापा तो साहिब मतलब कि होर कित गए सके, उन्होंने होर कित काम सगा, तो वह गए सके, तो इस करके मैं तो खुशी दोनों जानिया सी ना, मतलब कि आटो तो गई सगियाँ बाजार। तो बस इतने जा रही सी मावन धियाँ, तो खुशी लगी हुई सी थोड़ा बड़ा मैनू वो करने वास्ते, थोड़ी ना वीडियो शूट करती हुई सी नाले, मैंने लगी हुई सी हसाण वास्ते, थोड़ी मटक मटक चलती थी मेरे इतने, बस अभी दोनों मावन धियाँ जा रही सी। तो फिर पहुँच गई सगियाँ बस्ती, हैगी बस्ती दुकान, दुपट्टिया वाली दुकान है। इतने ना काफ़ी दुपट्टे मैच किए, कोई भी दुपट्टा मैच नहीं सी कर रहा। तो दुकानदार कह रहे कि थानू मतलब कि ना भी वह करवाना पैना, डाई ही करवाना पैना है, किन्ने सारे दुपट्टे कढ़वाए बेचारे को, पर कोई भी मैच नहीं किया मेरे सूट नाल, हार के फिर जाना पिया, चुन्नी मेरे रंग तिल लारी है को,
ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਈ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੋਲ 'ਚ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਹਿੰਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹੈ ਪਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਵਰਾਇਟੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, 6 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6:45 ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5:30 ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 5:30 ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗੋ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਮੇਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਮਿਲੋ। ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉੱਧਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੂਟ? ਲੈਮਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਔਰ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਲਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਗੋ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਗੋ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਗੋ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਲੁੱਕ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਨ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਨ ਟੋਪੀ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੂਟ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੀਨ ਟੋਪ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ।